हाथी के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना भी अनुचित नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज कहि तनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय, भजउ नहि करुणामयम्। आ जन्म से पर द्रोह रत, पापो सुमत तब तनु अयम्। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरायमयम्। देव रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको यह गति दी, जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, हनुमान की।